हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लूमिंग बॉन्ग। तो इस वीडियो पर मैं एक बंगाली रेसिपी लेके आई हूँ, वो है आर फिश की चिल्ली। तो चलिए रेसिपी को बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें चाहिए एक मीडियम साइज ऑनियन और एक गार्लिक। ऑनियन को हम फाइनली चॉप कर लेंगे। इसको चॉप करने के बाद हम ले लेंगे दो टमाटर। टमाटर को भी हम फाइनली चॉप कर लेंगे, अच्छे से दोनों को चॉप कर लेना है। और फिर हम ले लेंगे पांच हरी मिर्च। मैंने पहले से ही फ़िश को नमक हल्दी लगाकर रख दिया था, लेकिन अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेशन के लिए हम ले लेंगे हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और एक स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इस पे हम ऐड करेंगे 4 to 5 टेबल स्पून सरसों का तेल। इसके बाद इसमें जाएगा हाफ टेबल स्पून गरम मसाला और इसको हमें अच्छे से मिक्स्ड कर लेना है। सारे मसालों को फिश के साथ अच्छे से हमें मिक्स्ड कर लेना है। उसके बाद हम इसको 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और इस पे मैं 3 से 4 चम्मच ऑयल ले लूँगी और इसमें डालूँगी मैं हाफ़ टेबल स्पून काली जीरा, एक दालचीनी और हमने जो चॉप करके रखा था ऑनियन वो भी इसमें डाल देंगे। हमें ऑनियन को अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और फिर हम इस पे डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, फिर ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून हल्दी। फिर इसको अच्छे से हमको स्टर कर लेना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फिर हम इस पे ऐड करेंगे गार्लिक और ग्रीन चिल्ली। अभी फिर से हमें इन सबको अच्छे से मिला देना है। देखिए अभी ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। फिर हम इस पे ऐड करेंगे चॉप्ड किए हुए टमाटर। इस टमाटर को भी हम अच्छे से पका लेंगे और फिर जब ग्रेवी रिड्यूस हो जाए तब हम इसको कम फ्लेम में डाल देंगे और हमारे मैरिनेट किए हुए फ़िश इस पर ऐड करेंगे। मैरिनेशन का मसाला जो बच गया था मैंने उस पर हाफ कप पानी ऐड करके इस ग्रेवी पे मैंने डाल दिया है। अब इसको हम ढक कर लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए कुक होने देंगे। पाँच मिनट बाद हम ढक्कन हटा देंगे और हम फिश को दूसरी तरफ पलट देंगे ताकि वो दूसरे साइड से भी अच्छे से कुक हो जाए। और फिर हम इसको ढककर 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पाँच मिनट बाद इसका ढक्कन हम खोल देंगे और इसको हम हल्के हाथों से स्टर करेंगे। उसके बाद हम इस पर 1 टेबलस्पून धनिया पत्ता ऐड करेंगे। ये रेसिपी आप लोग ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।